दीपों का पर्व दीपावली है आज, और आज बनारस में दीपावली धार्मिक अंदाज में मनाई जा रही है। भगवान श्री राम जब वन से वापस आए थे, 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस आए थे, रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आए थे, तो देशवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तो एक जो मत है वो ये है, लेकिन काशी की मुस्लिम बहनों ने यहाँ पर भगवान श्री राम की आरती उतारी है, उनकी आरती गा रही हैं, और इसके पीछे क्या जताना और क्या बताना चाहती हैं ये जानते हैं नाज़नीन अंसारी से। नाज़नीन, आपने तो कहे कि वेशभूषा भी धारण की है हिंदुओं वाली, तो ऐसी स्थिति जब कहीं ना कहीं जो धार्मिक कट्टरपंथी हैं तमाम तरह के कट्टरवाद के संदेश देने का प्रयास करते हैं, तो ये राम आरती क्या मकसद क्या जताना चाहती है? देखिए, वेशभूषा हो या फिर आरती का तरीका हो, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कोई विशेष संस्कृति में जो हमारे कोई भी घर आता है, वापस आता है, तो उसकी आरती की जाती है, उसको माला पहनाया जाता है और दीप जलाए जाते हैं, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और इस तरह के जो कट्टरपंथी समाज में तमाम बार बार सर उठाते रहते हैं, खासतौर पर महिलाओं को लेकर के, कि महिलाएँ ये नहीं कर सकती, महिलाएं अगर आरती कर लेती हैं तो उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया जाता है, तो इनके फतवों से अब कोई डरने वाला नहीं है, इनके फतवों से हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। और इनके इनका डर जो दिखा दिखा करके बार बार ये कहते हैं कि इस्लाम में हम खारिज करते हैं, तो इस्लाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें ये दाखिल और खारिज कर सके। ये आरती जो है हमारी, उनको बताने का तरीका है कि भारत के मुसलमान सदा से अपने पूर्वजों से एक थे, ना हम लोगों ने ना घर बदला है और ना अपने पूर्वजों को बदला है, पूर्वजों के भगवान को बदला है। तो ये बात वो जान लें कि भारत के मुसलमान सनातनी थे, भारतीय हिंदू परंपरा को मानने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं। अयोध्या में भी दीपावली है और बहुत भव्य स्वरूप में हो रही है, काशी की दीपावली और भगवान श्री राम की आरती वाली दीपावली, क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से भगवान श्री राम इतनी वर्षों तक टेंट में रहे और पिछली सरकारों से हमें कोई उम्मीद नहीं थी, अब भगवान श्री राम की अयोध्या नगरी भव्य रूप से सजी हुई है, इस बात की हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि आज हम लोगों ने जो मन्नत मांगी थी, जो भगवान से प्रार्थना की थी, वो पूरी हुई। अयोध्या में फिर से दीप जले और अयोध्या पूरी जगमगा उठी, और आज काशी में फिर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से मन्नत मांग रहे हैं कि आदि विश्वेश्वर को मुक्ति मिले, औरंगजेब का कलंक मिटे और आदि विश्वेश्वर के ऊपर हम लोग जल चढ़ा सकें। आप लोग अयोध्या नहीं जा पाई हैं, तो काशी से ही अयोध्या वाली दीपावली मना रहे हैं? जी बिल्कुल, दीपावली हर्षोल्लास का पर्व है और हमारे प्रभु श्री राम सबके आराध्य हैं और हम सनातनी मुसलमान हैं। ऐसे में यहाँ पे शिव जी उनके आराध्य थे, राम जी के, तो हम सारे लोग यहाँ मिलके हिंदू मुस्लिम बहनें दीपावली का पर्व मना रही हैं और दीप से दीप जला करके ये संदेश दे रही हैं कि काशी हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता आया और करता रहेगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि जो काशी विश्वनाथ जी का जो मामला चल रहा है, उसे मुस्लिम भाई अपना हक वापस ले ले और ये कहे कि जो जिसका हक है उसको वापस दे दे, ताकि हर्षोल्लास के साथ फिर से दीपावली मनाई जाए। तो दीपावली का हर्ष है और अर्चना भी साथ में है, तो सभी साथ में दीपों का पर्व मना रहे हैं। संदेश जी, हम लोग पिछले कई सालों से हिंदू मुस्लिम बहनें साथ साथ दीपावली का पर्व मनाते हैं, अपनी एक प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री राम से, और प्रभु श्री राम की कृपा से हमारी सभी प्रार्थनाएं मंजूर होती हैं, प्रभु श्री राम का हम सब पे आशीर्वाद है, और ये दीपावली सांप्रदायिक सौहार्द वाली है। तो सांप्रदायिक सौहार्द वाली दीपावली मना रही है काशी की मुस्लिम बहनें, तो संदेश क्या? संदेश यही, हम लोग को दिवाली अच्छा लगता है, हम लोग दिवाली मनाते हैं, राम जी का पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, हम लोग को पसंद है दिवाली मनाना। हिंदू धर्म का पर्व है और आप लोग मुस्लिम संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो ये पर्व और इसका संदेश क्या है, क्या कहना? इससे क्या मतलब, हिंदू या मुसलमान क्या, हम लोग को पसंद है, हम लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ये तो सबका त्यौहार है, दिवाली सबको मनाना चाहिए दिवाली। तो यही संदेश, दीप से दीप जल रहे हैं और भगवान श्री राम में ये मुस्लिम बहनें अपनी आस्था को प्रकट कर रही हैं, और ये दिवाली सांप्रदायिक एकता और सौहार्द वाली दीपावली के रूप में मनाई जा रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।